सवाल नंबर एक, एक नेकी करने पर कम से कम कितनी नेकियां मिलती हैं? ए दो नेकियां, बी पांच नेकियां, सी दस नेकियां, डी पंद्रह नेकियां। सही जवाब ऑप्शन सी है, एक नेकी करने पर कम से कम दस नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर दो, एक गुनाह करने पर कितने गुनाह मिलते हैं? ए दस गुनाह, बी आठ गुनाह, सी पांच गुनाह, डी एक गुनाह। सही जवाब ऑप्शन डी है, एक गुनाह करने पर एक ही गुनाह मिलता है। सवाल नंबर तीन, वह कौन से नबी हैं कि जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे बकिया तमाम नबियों पर जन्नत हराम है? ए हजरते आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरते ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब ऑप्शन डी है, वह नबी हमारे आका मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे बकिया तमाम नबियों पर जन्नत हराम है। सवाल नंबर चार, वह कौन सी उम्मत है कि जब तक जन्नत में नहीं जाएगी बकिया तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है? ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, बी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, सी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। सही जवाब ऑप्शन डी है, जब तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी बकिया तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है। सवाल नंबर पांच, बीवी को हट मेरी मां, चल मेरी मां, ओ मेरी मां कहना कैसा है? ए जायज है, बी अदब के खिलाफ है, सी नाजायजो गुनाह है, डी मकरूहे तंजीही है। सही जवाब ऑप्शन सी है, बीवी को हट मेरी मां, चल मेरी मां, ओ मेरी मां कहना नाजायजो गुनाह है, लेकिन निकाह नहीं टूटेगा। सवाल नंबर छह, अगर एक औरत की चंद शादियां हुई इस तौर पर कि एक शख्स से उसकी शादी हुई और उसने तलाक दे दी, फिर दूसरे से शादी हुई, दूसरे ने भी तलाक दे दी, फिर तीसरे से शादी हुई, तो अगर वह औरत जन्नत में जाएगी तो जन्नत में उसका शौहर कौन होगा? तीनों तो हो नहीं सकते। ए पहला शौहर, बी दूसरा शौहर, सी तीसरा यानी आखिरी शौहर, डी तीनों में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी है, ऐसी सूरत में बीवी को जन्नत में आखिरी वाला शौहर मिलेगा। सवाल नंबर सात, वो कौन सी कौम थी जिस कौम पर अल्लाह ताला की जानिब से ये अजाब आया कि उस कौम की सारी औरतें बांझ हो गईं? ए कौमे समूद, बी कौमे आद, सी कौमे लूत, डी कौमे अमालका। सही जवाब ऑप्शन बी है, वो कौम कौमे आद थी जिस पर अल्लाह ताला की जानिब से ये अजाब आया कि उस कौम की सारी औरतें बांझ हो गईं। सवाल नंबर आठ, वह कौन से नबी हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवाल का जवाब दिया? ए हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरते ईसा अलैहिस्सलाम, सी हजरते लूत अलैहिस्सलाम, डी हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही जवाब ऑप्शन बी है, वह नबी हजरते ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवाल का जवाब दिया। सवाल नंबर नौ, जो शख्स किसी ऐबदार चीज को ऐब जाहिर किए बगैर यानी खरीदने वाले को बताए बगैर ऐसे ही चोरी चोरी बेच दे तो उसके लिए क्या हुक्म है? ए इनाम का हकदार है, बी खुशहाल जीवन गुजारेगा, सी अल्लाह का गजब और फरिश्तों की लानत होगी, डी नहीं पता। सही जवाब ऑप्शन सी है, जो शख्स किसी ऐबदार चीज को ऐब जाहिर किए बगैर यानी खरीदने वाले को बताए बगैर ऐसे ही चोरी चोरी बेच दे तो उस पर अल्लाह का गजब और फरिश्तों की लानत होगी। सवाल नंबर दस, जो जानवर जबह से पहले मर जाए उसका गोश्त बेचना कैसा है? ए जायज है,
बी मकरूह है, सी हराम है, डी तीनों में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी है, जो जानवर जबह से पहले मर जाए उसका गोश्त बेचना हराम है। शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।